हेलो गेमर्स, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। तो गेमर्स, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपको कैसे रॉयल एडवेंचर खेलना है एंड रॉयल एडवेंचर में कैसे स्पिन करना है ताकि हर स्पिन में आपका कुछ बेनिफिट हो और जिससे कि आप ये जो बाइक है ये कम से कम रॉयल एडवेंचर से आप फ्री में ले सको। तो गेमर्स, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक कर देना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलो गेमर्स, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गेमर्स, रॉयल एडवेंचर खेलने के लिए सबसे पहले आपको अपना आरपी ओपन करना है और आरपी ओपन करने के बाद चौथे नंबर पे ये जो दिख रहा है इस पर आपको आना है और यहाँ पे टैब टू स्टार्ट करना है तो आपका रॉयल एडवेंचर ओपन हो जाएगा। तो गेमर्स, रॉयल एडवेंचर खेलने के लिए सबसे पहले आपके पास आरपी बैच होना चाहिए और यहाँ पे आप देख सकते हो एक स्पिन करने के लिए 6 आरपी बैच लगता है और आगे इसका कॉस्ट बढ़ते जाता है। अगर आप लगातार इसमें स्पिन करते हो तो आगे इसका कॉस्ट बढ़ते जाएगा। तो गेमर्स, सबसे पहले बात करते हैं ये जो आरपी बैच है ये आपको कहाँ से मिलेगा। तो गेमर्स, आरपी बैच लेने के लिए आपको अपना आरपी ओपन करना है और जब आपका 50 आरपी मैक्स हो जाएगा तो उसके बाद से जितने भी आपको आरपी पॉइंट्स मिलेंगे, मतलब जितने भी आप मिशन कंप्लीट करोगे और जितने आपको आरपी पॉइंट्स मिलेंगे सभी यहाँ पे ऐड होंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मेरे पास अभी 9 आरपी पॉइंट्स हैं क्योंकि मैंने अपना यूज कर लिया है और तब मैंने वीडियो रिकॉर्ड नहीं किया था। तो गेमर्स, अगर आपका आरपी मैक्स हो गया रहेगा और आपने अपने सारे मिशन कंप्लीट कर लिए होंगे तो यहाँ पे आपके पास कम से कम 1000 आरपी पॉइंट्स होंगे और उस आरपी पॉइंट से आप आरपी बैज ले सकते हो। तो यहाँ पे जो रिडीम का ऑप्शन दिख रहा है आपको रिडीम के ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ पे आप चौथे नंबर पे देख सकते हो यहाँ पे आपको आरपी बैच रिडीम करने का ऑप्शन मिल रहा है। तो यहाँ पे आप इसका कॉस्ट भी देख सकते हो, 12 आरपी पॉइंट से आपको एक आरपी बैच मिलता है। तो यहाँ पे अगर आपके पास 1000 आरपी पॉइंट्स या फिर 1200 आरपी पॉइंट्स होंगे तो उससे आप लगभग 100 ये आरपी बैच ले सकते हो। तो सबसे पहले आप यहां से आरपी बैज ले लेना। तो गेमर्स, आरपी बैज लेने के बाद रॉयल एडवेंचर में स्पिन कैसे करना है ये अब मैं आपको बता दे रहा हूं। तो गाइज, आप यहां पे देख सकते हो फर्स्ट स्पिन का 6 आरपी बैज लगता है। तो गाइज, जब आप अपना फर्स्ट स्पिन करोगे तो उसके बाद आप यहां पे ध्यान देना, आप कितने भी नंबर पर जा सकते हो ये आपके लक के ऊपर डिपेंड करता है। अगर मान लो आप 3 नंबर पर जाओगे तो ये जो है 1, 2 और 3 तीनों का जो एडवेंचर सप्लाई है तीनों का ऐड करके आपको कलेक्ट करने का ऑप्शन देगा। लेकिन अगर आप कलेक्ट करते हो तो आप फिर से स्टार्ट पे चले जाओगे और अगर आप कलेक्ट नहीं करते हो तो यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिलता है, एडवांस डायरेक्टली और एडवांस सेफली। तो गाइज, आप यहाँ पे देख सकते हो एडवांस डायरेक्टली बिल्कुल फ्री है, मतलब एडवांस डायरेक्टली करने से आपका आरपी बैच नहीं लगेगा। लेकिन इसमें रिस्क है, अगर आपका कांटा 1 से पहले आता है मतलब माइनस में आता है तो ये जो सप्लाईज आपको मिलने वाले थे सारे माइनस में चले जाएंगे, मतलब लॉस हो जाएंगे और आप एक स्टेप पीछे चले जाओगे। तो गाइज, मेरा सजेशन यही रहेगा कि आप एडवांस डायरेक्टली बिल्कुल भी मत करना। अगर आपको अपने लक पे विश्वास है तो आप इसे ट्राई कर सकते हो, लेकिन दूसरे तरफ है एडवांस सेफली जिसको करने में आपका आरपी बैच लेगा, लेकिन इसमें आप सेफ रहोगे। मान लो आप पहले से 2 नंबर पे हो और अगर आप एडवांस सेफली करते हो और आपका कांटा माइनस में जाता है तो फिर भी आपका पोजीशन लॉस नहीं होगा, आप 2 नंबर के 2 नंबर पे ही रहोगे और ये जो सप्लाईज हैं ये भी लॉस नहीं होंगे। और अगर आपका कांटा 1 या 2 या 3 नंबर पे आता है तो यहाँ से आप डायरेक्ट प्लस में जाओगे, 3 नंबर पे या 4 नंबर पे या फिर 5 नंबर पे जाओगे और ये जो सारे सप्लाईज हैं ये सारे नंबर के सप्लाई आपको प्लस करके कलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा। तो इसमें आपको ज़्यादा बेनिफिट हो सकता है। तो गाइज, अब आप मेरी बात ध्यान से सुनना, जब आप इसमें स्पिन करोगे तो एक बार स्पिन करने के बाद आप 2 बार एडवांस सेफली करना और तीनों में आपको 6 आरपी बैज लेंगे, मतलब टोटल 18 आरपी बैज लेगा। और आपका लक कितना भी ख़राब हो आप 2 या 3 नंबर पे आ ही जाओगे, अगर आपका लक अच्छा हो तो आप 4 या 5 नंबर पे भी जा सकते हो। तो गाइज, उतना स्पिन करने के बाद जितना भी आपको सप्लाईज मिले उतना कलेक्ट कर लेना और अगर आप 3 से ज़्यादा बार लगातार स्पिन करते हो तो उसके बाद से आपका ये जो आरपी बैच का कॉस्ट है बढ़ जाता है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ आप लगातार 3 बार स्पिन करना,
जो भी आपको ये जो सप्लाईज मिलेंगे सभी को कलेक्ट कर लेना और फिर से 6 RP बैच में फिर से स्पिन शुरू करना है और 3 बार ही करना है आपको। तो ऐसे करके आपके पास टोटल 250 से ज़्यादा ये सप्लाईज हो जाएंगे। और जब आपके पास 250 से ज़्यादा सप्लाईज हो जाए तो उसके बाद आप ये जो बाइक है उसको आप इजीली रिडीम कर सकते हो। तो जैसे मैं अभी आपको रिडीम करके दिखाता हूँ, तो मेरे पास अभी 242 सप्लाईज हैं एडवेंचर सप्लाईज, और ये जो बाइक है इसका कॉस्ट है 225 सप्लाईज। तो मैं यहाँ से इजीली से बाई कर लूँगा, आप भी ऐसे करके मतलब रॉयल एडवेंचर ऐसे खेल के इसे बाई कर सकते हो।